बीजेपी कार्यकर्ता ने राकेश टिकैत पर जानलेवा हमला किया है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव ने राकेश टिकैत के ऊपर राजस्थान में हुए कातिलाना हमले के बाद रोड जाम करते हुए किसान नेता को जड़ श्रेणी की सुरक्षा देने की सरकार से मांग की है। साथ ही जड़ श्रेणी की सुरक्षा नहीं देने पर सरकार को एक बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के ऊपर राजस्थान में जानलेवा हमला किया गया। किसान नेता पर हुए इस कातिलाना हमले की सूचना मिलने के बाद किसानों में आक्रोश पनप उठा और किसानों ने अलीगढ़ पलवल रोड को पूरी तरह से जाम कर दिया है। इस हमले के बाद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव ने किसान नेता राकेश टिकैत को जड़ श्रेणी की सुरक्षा देने की सरकार से मांग की है। तो वहीं जड़ श्रेणी की सुरक्षा नहीं देने पर सरकार के खिलाफ एक बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। राजस्थान के अलवर में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के ऊपर हुए हमले को लेकर कल शाम भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने कई जगह पर रोड जाम कर दिया था। टप्पल में भी रोड जाम किया गया था। किसान नेताओं का कहना था कि जिस तरह से गांधी जी को गोली मार कर उनकी आवाज को बंद कर दिया गया था, उसी तरह हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हमला किया है। उनको जेड प्लस सिक्योरिटी की सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। मंडल अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन सुंदर बालियान ने कहा, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत उन पर गोलियां चलाई गई हैं। बीजेपी के लोगों ने गोलियां चलाई हैं। जिस जानलेवा हमले में वह बच गए, बड़े ही ताज्जुब की बात है कि बीजेपी को जो महात्मा गांधी में गोली मारी, वही पुनरावृत्ति आज की गई और राकेश टिकैत के ऊपर भी हमला किया गया। किसान इसका विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि उनको सुरक्षा मिले, और अगर सरकार नहीं मानती है तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव अनिल तालान ने जाम लगाने का कारण बताते हुए कहा कि जाम लगाने का उन्हें बड़ा खेद है जो आज हम किसानों को जाम लगाना पड़ा। जिन लोगों को इस जाम में परेशानी हुई, उसके लिए भी हमें खेद है। राकेश टिकैत पर राजस्थान में जानलेवा हमला हुआ और सरकार पर इस पूरे मामले पर कोई भी संज्ञान नहीं ले रही है। वहीं एक बीजेपी के कार्यकर्ता ने उनके ऊपर जानलेवा हमला किया। ये हमला स्पष्ट दर्शाता है कि बीजेपी के किसान नेता राकेश टिकैत के खिलाफ कितनी ईर्ष्या है। जिस हमले के चलते तत्काल पूरे प्रदेश में रोड को रोकते हुए जाम लगाया गया। सरकार से मांग है कि किसान नेता राकेश टिकैत को जड़ श्रेणी की सुरक्षा दी जाए। अगर सरकार ने जड़ श्रेणी की सुरक्षा नहीं दी, तो सरकार को एक बड़े आंदोलन से गुजरना पड़ेगा। जानलेवा हमला हुआ है। स्वतंत्र भारत में रंगी हुकूमत का जो स्वभाव था, वो उस स्वभाव को फिर से दर्शा रहा है। सरकार किसानों के बच्चों के माध्यम से ही किसानों को रोकने का कार्य कर रही है। एक वक्त था कि जब कभी इस देश के किसी भी एक नागरिक ने अगर फिरंगी हुकूमत का साथ दिया तो वो हमारे लिए गद्दार हो जाया करता था। लेकिन आज दर्द की बात है, हम अपने बच्चों के लिए आज क्या कहें। रोजी रोटी का सवाल उस तरह का आ गया है कि हमारे बीच में आज किसान का बेटा किसान के सामने खड़ा हुआ। बड़े दुर्भाग्य की बात है। एक वक्त ऐसा जरूर आएगा, ये सरकार सोच ले, जिस तरह का स्वभाव इसका, फिरंगी हुकूमत जैसा जो स्वभाव इस सरकार का है, एक वक्त ये निश्चित तौर पर आएगा कि ये किसान का बेटा जो आज उसकी सुरक्षा कर रहा है, ये रिजाइन देकर किसान के साथ खड़ा हुआ। और आज भी इस बात को समझ ले, वो सरकार इस बात पर विचार करे कि किसान का बेटा आज किसान के साथ खड़ा हुआ है। राकेश टिकैत को जेड श्रेणी की सुरक्षा पूरे देश का किसान आज कर रहा है। भारतीय किसान यूनियन जेड श्रेणी की सुरक्षा की मांग कर रही है, और अगर जेड श्रेणी की सुरक्षा नहीं दी गई तो सरकार भी बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहे। शर्म की बात यह है कि एक कंगना रानावत, उसके लिए ये एक कोई बात कही जाती है कि अगर यहाँ पर आई तो उसके साथ अच्छा सलूक नहीं होगा। मात्र अच्छा सलूक जैसे शब्दों का इस्तेमाल होने के बाद उसको जेड श्रेणी की सुरक्षा, और हिंदुस्तान के किसान नेता के साथ जानलेवा हमला होने के बाद कोई कार्रवाई नहीं। ये शर्म की बात है, दुर्भाग्य की बात है और कमजोरी की बात है। मैं आप लोगों से अपील करता हूं, हिंदुस्तान का किसान कमजोर नहीं है। जब कभी भी हिंदुस्तान को आवश्यकता पड़ी है, इस देश को आजाद कराने में अपने बेटों की कुर्बानी देने का काम किस किसान ने किया है,
और आज इस देश की सीमा की रक्षा करने का काम अगर करता है तो इस देश का किसान करता है, उसका बेटा जब तिरंगे झंडे। भाई साहब का आदेश है कि आप वहाँ रोड पर बैठे हुए हैं, जनपद में जगह जगह जाम लगा है, भाई साहब का आदेश आया था कि आप जाम खुलवा दें। बस एक ही मांग है कि भाई साहब उज्जैन सड़क सुरक्षा दी जाए और जो भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिली जाए। मैं सबसे एक बात कह रहा हूँ भाई, जो हमारे से घटना हुई हम लोग मोड़ा पे आ रहे हैं, वहीं धरने पर कल को प्रोग्राम है, सुनते ही हमें आए, हमें रोड जाम करने का मतलब चीज़ें वहाँ कर देते हैं, यहाँ आए लोग भाई आप लोग तो कह रहा हूँ जब ये कर रहे हैं जैसे वहाँ हो, बड़ी साफ भाषा बोल रहे हैं, जो बीजेपी आज सांसद जी ने करे उनके पचास गार्ड है, उनके संग 50 गार्ड चल रहे, 4 गार्ड ही जो हमारा राष्ट्रीय लेवल को लेता है, तो हम गोली ना मारी जा रही है। तो यहाँ एक संकल्प लेके जाओ कि इन पर धूल बरसान लगो, और आमन तो देव का हम पर धूल बरसान लगो बीजेपी वाले, और अपने क्षेत्र में गांव में इनको विरोध करो, विरोध करके जैसे वहाँ है लगाओ ना घुसन आ रहे गाँव में विरोध करो। कल की मीटिंग की एक बात कह के चल रहे, यहाँ चौधरी साहब आएंगे जो बात आ जाएगी इनके आगे, कल यहाँ से चलेंगे और वहाँ आप तो कर लियो निवेदन, कल हमारे संग में देश मतलब खैर में और जट्टारी में कोई ऐसा ना हो कि हमारे जाम लगे फिर हम दूसरी कर लाएंगे। ट्रैफिक जाम नहीं होगा जब तुम्हारे इनको बीजेपी बाहर हो, एक विधायक आवे तो लंबी लाइन लग जाए, सांसद राष्ट्रीय नेता है, कल कोई भी खैर में तो क्या करो जी, खैर में और जट्टारी में हमारे आगे जाम नहीं आना चाहिए, ऐसे में 50-60 गाड़ी हमारे साथ चले यहाँ से, हमारा टाइम है लगभग जो जाम लगाया गया है, किसको जाम लगाया, किस पद पर हो सर आप? क्योंकि भारतीय किसान यूनियन का सरकार के खिलाफ जो एक आंदोलन चल रहा है उसमें माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी आज राजस्थान में अलवर डिस्ट्रिक्ट में पंचायत करने गए थे, पंचायत करके लौट रहे थे, दूसरी पंचायत थी तो उनको रास्ते में उनकी गाड़ी में गोली मारी गई, पथराव किया गया, वो बाल बाल वहाँ बचे हैं, उसमें 4 व्यक्ति हैं जिन्होंने ये कांड किया, वो बीजेपी के नेता हैं वो लोग, क्योंकि बीजेपी की कथनी करनी में अंतर है कि यदि कोई इनके खिलाफ आंदोलन करता है तो उसको दबाने के लिए चाहे उसकी ये जान भी ले लें वहाँ तक पहुँचाते हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा ऐसे ही पहले हमारे स्वर्गीय महात्मा गांधी जी के साथ में यही हुआ था, तो आज उसी वो प्रॉपर्टी पर हैं, लेकिन उसके बाद में यहाँ पे हम सब एकत्रित हुए, राष्ट्र का आदेश था कि थानों के आगे रोड जाम की जाएगी, पूरे जिले में वो सब कुछ किया गया, पेशावर पे भी है, चंडौत पे है, खैर और टप्पल पे, इधर इंग्लास में भी हुआ है, छर्रा पे भी हुआ है, तो यहाँ बैठे थे, उसके बाद में जो आदेश आया कि उनको जेड श्रेणी की सुरक्षा दी जाए माननीय टिके साहब को, और जो भी किसान नेता हैं उनके साथ यदि कोई अनहोनी होती हो शासन प्रशासन की उसकी जिम्मेदारी होगी उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। सर आप किस पद पर हैं और जो आपने जाम लगाया किसको लेकर कैसे? देखिए मैं भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय महासचिव हूँ, और जाम जो लगाया है इसका हमको बड़ा खेद है कि हमको जाम लगाना पड़ा है, जिन लोगों को हमारी वजह से कष्ट है हम उसके लिए क्षमा मांगते हैं, लेकिन बड़े दुख की बात है राकेश टिकैत जी पर जानलेवा हमला राजस्थान में हुआ, सरकार कोई संज्ञान नहीं लेती है, एक बीजेपी का जो कार्यकर्ता था उसने जानलेवा हमला किया, ये स्पष्ट दर्शाता है कि बीजेपी की किसान नेता राकेश टिकैत जी के प्रति कितनी ईर्ष्या है, क्या वो स्वभाव रखते हैं, वो स्पष्ट इस बात को दर्शाता है। उसी संबंध में पूरे प्रदेश भर में तुरंत तत्काल में सभी रोडों को जाम लगाया गया, और बहुत लंबे समय तक नहीं बल्कि यह बताया गया है सरकार को राकेश टिकैत जी को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी जाए, अगर उनकी सुरक्षा नहीं की गई तो सरकार को एक बड़े आंदोलन से गुजरना पड़ेगा। मंडल अध्यक्ष भारतीय किसान अलीगढ़, क्या हुआ सर जो आज हमारी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है राकेश टिकैत जी अलवर में गोली चलाई, और बीजेपी के जो एक कार्यकर्ता है उन्हें गोली चलाई, उन बच गए, पहले तो जो रमेश जी ने और दालान जी ने कहे हमारी मांग है, दूसरी मांग मुझे शर्म की बड़ी ताज्जुब की बात है, बीजेपी के जो महात्मा गांधी में गोली मारी वही आज वही पुनरावृत्ति की गई, राकेश टिकैत में भी गोली मारी गई, हम इसका विरोध करते हैं, इस विरोध में हम ऊपर से राकेश जी का आगे आके रोड जाम खोले नहीं, हमारा कोई उद्देश्य नहीं, हमारा पूर्व विरोध है कि उनको राष्ट्रीय सुरक्षा मिले, और दूसरी कल जो हमारी मीटिंग है घोड़ा पर उसके लिए हम सब इकट्ठे होकर जाएंगे इंटरचेंज पर, ये हमारा तय है कि टेक राकेश जी के साथ चलेंगे, और जो घटना घटी है अगर सरकार नहीं मानती है तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा, सरकार को बहुत कुछ भुगतना पड़ जाएगा।